class 7, and today we are going to start our first chapter, which is called integers. So let's start. Integers. Integers are those numerical expressions which are either be positive or can be negative. वो नंबर होते हैं या वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ में हमको दिखाई देते हैं. मतलब जितने भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हैं, जितने भी नंबर हैं, वो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में दिख रहे हैं आपको, तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं. सो अगर हम इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखना चाहें इंटीजर्स का, तो हो सकता है टेम्परेचर. आप देखते हैं मौसम के उसमें आता है, तो टेम्परेचर अगर बताया जाए ठंडों के टाइम पे भी, तो बोला जाता है -2 डिग्री चले गया, -3 डिग्री चले गया. तो माइनस जो होता है वो होता है नेगेटिव इंटीजर. और जो हम कभी बार आजकल के मौसम में गर्मियों में देख लेते हैं, वो होता है पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 23 डिग्री सेल्सियस. तो उसमें कोई साइन नहीं लगा, दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर. इसका बहुत ही बेसिक से अगर हम एग्जांपल बोलना चाहें, तो वो हो सकता है नंबर लाइन. ओके, अगर आपको नंबर लाइन देखनी है, तो आई विल शो नंबर लाइन. दिस इज कॉल्ड ए नंबर लाइन. ओके, दिस इज अ नंबर लाइन विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर एंड द राइट साइड इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर. एंड इट कैन बी एक्सटेंड टू द एनी पॉइंट. इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, किधर भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, एंड ये जो मिडल में जो जीरो होता है, इट इज नाइदर द पॉजिटिव और द नॉट द नेगेटिव इंटीजर होता है. ये कुछ किसी में भी आ सकता है, हम इसको ना ही पॉजिटिव में डालेंगे ना नेगेटिव में डालेंगे. ओके, इसके बाद अगर हम देखना चाहें, तो इस लाइन को किधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर को भी और इधर को भी, जितने नंबर आ सके उतने. ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें, आपको चैप्टर के अंदर एडिशन करने हैं, सब्ट्रैक्शन करने हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स बनाई गई हैं, जो आपको एज इट इज़ याद करनी होंगी जैसी वो दे रखी. तो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं. तो वो हैं कुछ 3 एक्सप्रेशंस में इनको बांटा गया है. ठीक है, 2 ही नंबर लेके चलते हैं, उससे आपको पता चलेगा. तो अगर एक फर्स्ट पार्ट जो है, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव. सेकेंड में आपको दे रखा है, इफ़ द वन इंटीजर इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव, देन द आंसर विल ऑलवेज कम इन नेगेटिव. इफ द थर्ड वन फर्स्ट इज नेगेटिव एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो नेगेटिव, तो आंसर ऑलवेज कम एज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो अगर हमने ये फॉर्म सारी पढ़ ली है, तो नेक्स्ट वी गो टू थ्रू द एक्सरसाइज. अब हमें एक्सरसाइज की बारी आती है. सो दिस इज शोइंग, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन है, दिस इज डिस्प्लेइंग हियर. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है. आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है. आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, वो आपको ये कहता है कि आपको एक नंबर लाइन गिवन है, उसमें यू हैव टू ओनली ऑब्जर्व. और वो जिसमें उसमें आपको जो जो नगर, जो जो प्लेसेस सिटीज़ के जितने परसेंटेज दिख रहे हैं, मतलब टेम्परेचर दिख रहा है, वो आपको नोट डाउन करने. ठीक है, तो आपको जो ये आंसर डिस्प्ले हो रहा है, तो आंसर क्या है, आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि लाहौल स्पीत, वो आपको नंबर लाइन में भी दिख रहा है, लाहौल स्पीत का -8 डिग्री सेल्सियस. फिर आपको क्या करना है, श्रीनगर का जो है, वो श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस. फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है आपको शिमला, शिमला का आपको दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस. ओटी का दे रखा है आपको 14 डिग्री सेल्सियस. एंड बैंगलोर का एट लास्ट दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस. तो इट इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का. गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बताना है आपको डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस. तो आपको क्या दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन देख रहा है. तो यहाँ पर सबसे बड़ा हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है दिख रहा होगा आपको पॉजिटिव में, 22 डिग्री सेल्सियस से है बैंगलोर. सो यू हैव टू राइट इन द आंसर, आंसर डिस्प्ले हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस और बैंगलोर इज 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फिर आपको व्हाट प्रॉब्लम के आंसर में क्या लिखना है, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस दैट इज कॉल्ड लाहौल स्पीति, उसका दे रखा है -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फिर आपको कहना है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेसेस बैंगलोर एंड द लाहौल स्पीत इज इक्वल टू, आपको लिखना है, फिर उसके आपको क्या करना है, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और फिर उसके बाद किसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके साथ हमें सब्ट्रैक्ट करना है लाहौल
स्पीति का जो दे रखा है माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, तो ब्रैकेट में माइनस 8 डिग्री सेल्सियस लगा देंगे। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, तो ये इसलिए लगाया क्योंकि दो साइन है, माइनस भी है और जो लाहौल स्पीति का है वो माइनस 8 डिग्री, उन दोनों का माइनस माइनस एक साथ नहीं आ सकता, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए हमने वो माइनस के हटाने के लिए मतलब सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर आते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बनेंगे, अब हमें इसको चेंज करना होगा, जो दो हमें दी रहती है ना, सबसे पहले साइन उनको एक बनाना होता है, तो हमने फॉर्म्स पढ़ी थी ना वो इसी के लिए होती हैं, तो माइनस और माइनस क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव होता है, तो 22 प्लस अब क्या बन जाएगा 8, 22 प्लस 8 अब हम करेंगे तो क्या बनेगा, आंसर आएगा हमारा 30, और साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा पॉजिटिव वाला, क्यों, क्योंकि बैंगलोर का सबसे बड़ा है। सो गोइंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला गया है, क्लियरली आपको यहाँ पे बोला गया है, सीधा बोल दिया है, आपको कोई ऑब्जर्व नहीं करना है, बोला है कि श्रीनगर और लाहौल स्पीति के दोनों के टेम्परेचर को आपको डिफरेंस करके बताना है, तो सिंपल है, दोनों का लिखो, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू माइनस 2 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ द लाहौल स्पीति आपको लिखना है माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने आंसर में दिया हुआ है फोटो में, ठीक है, आपको ये लिखना है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्टेटमेंट लिखना है द डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड द लाहौल स्पीति के टेम्परेचर में आपको लिखना है माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, अब इनको माइनस करना है तो माइनस करेंगे, फिर लिखेंगे हम श्रीनगर का लिखेंगे माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि आपको पता ही है दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। अब वो जो दो साइन एक साथ आ चुके हैं उनको एक बनाना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, वो आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में माइनस 8 डिग्री प्लस 2 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। अब हम देखेंगे माइनस और एक प्लस, माइनस का 8 डिग्री और प्लस का ये क्या बनता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से 2 को अगर हम माइनस कर देंगे तो सिंपली आपका 6 आ जाएगा, तो 6 विल बी योर आंसर, एंड साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जो बड़ा है, बड़ा कौन है 8, तो माइनस 6 डिग्री सेल्सियस विल बी योर आंसर। सो गोइंग टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपली ये बोला गया है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इसमें बोला गया है कि जैक, एक जैक पर्सन है वो क्विज में पार्ट लेता है, सो ही स्कोर्ड द डिफरेंट लेवल इन द डिफरेंट लेवल में, उसने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स गेन किए, वो मार्क्स कैसे गेन करता है, अगर एक राइट आंसर देता है, ये गिव्स राइट आंसर, ये कहता है पॉजिटिव रिमार्क, पॉजिटिव इंटीजर से उसे रिमार्क मिलता है, और एक नेगेटिव आंसर देता है तो उसे नेगेटिव रिमार्क मिलता है, तो बोला है कि उसे 5 राउंड्स खेले हैं, तो उसे 5 राउंड्स में कुछ मार्क्स मिले हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, तो आप आंसर शीट में जैसे मैंने दिखाया है उसको तरीके से आपको लिखना है कि 5 राउंड्स में उसे सक्सेसफुली कैसे मिले, आपको दिखाना जरूरी है, तो फर्स्ट राउंड में माइनस 25 मिले, सेकेंड राउंड में माइनस 5 मिले, थर्ड राउंड में माइनस 10 मिले, फोर्थ राउंड में से 15 और फिर फिफ्थ राउंड में से 10 मिले, तो इस तरीके से आपको दिखाना है। फिर आपको क्या करना है, इनका बोला है आपको कि आपको टोटल मार्क्स जैक को कितने मिले, तो जैक को टोटल मार्क्स कितने मिले, तो आप इन सबको प्लस कर देंगे, माइनस 25 प्लस, फिर ब्रैकेट बना के माइनस 5 जैसे डिस्प्ले में है, फिर प्लस बना के माइनस 10, फिर प्लस बना के प्लस 15, फिर प्लस बना के प्लस 10 लिखना है, ठीक है। आप इनको दो दो के ग्रुप में बांट लेंगे, दो ये पहले के दो और फिर दो बाद के, फिर एक लास्ट वाले को रहने देंगे, ठीक है, इनके साइन चेंजिंग वगैरह करके हम इनकी ग्रुपिंग्स करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि माइनस 25 और उससे 20 आया, और बाद के वाले से आपका क्या करके आपका आया क्या 5 आया, और लास्ट वाले वैसे ही पॉजिटिव है तो 10 आ गया, सबके सब पॉजिटिव है, तो एटलीस्ट द लास्ट आपका आंसर आया है 35, और 35 आएगा पॉजिटिव आंसर, दिस इज योर आंसर, ग्रुपिंग करके करना इज द बेस्ट ऑप्शन। गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में क्या बोला है, ये पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन करा था ना उसी के जैसा है, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर ऑन द वेडनेसडे वो दिया हुआ है माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, ओके, और जाते जाते ट्यूसडे को जाते जाते वो ड्रॉप डाउन हो जा रहा है बाय 2 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप डाउन हो रहा है तो मतलब कम हो रहा है, वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव मतलब हाँ ठंड बढ़ रही है, तो माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होगा, तो हम बताएंगे कि ट्यूसडे को वहाँ एग्जैक्ट क्या टेम्परेचर था, 5 माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, हाँ अब तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे क्योंकि माइनस करना है माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 5 माइनस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इतना कम हो रहा है ना, तो हम दिखाएंगे माइनस 7 डिग्री सेल्सियस आंसर आ रहा है, 5 2 प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर गोइंग टू द नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो उसमें बोला गया है कि ऑन अगले वेडनेसडे को जाते जाते वहाँ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, इट रोज अप बाय द 4 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा उस दिन ट्यूजडे को टेम्परेचर क्या था जाते जाते वो था माइनस 7 डिग्री सेल्सियस था,
तो फिर उसमें अगर हम 4 को प्लस कर देंगे, माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 7 माइनस 4 क्या आएगा, 3 आएगा, और साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़े वाले का, कौन है बड़ा, 7 माइनस 3 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। गोइंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक आपको डायग्राम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वो डायग्राम क्या बोलता है, और क्वेश्चन पे डिस्प्ले है, वो डायग्राम बोलता है सीधे सीधे सिंपली कि ये है लेवल, लेवल सी लेवल है, उसको आप 0 मान के चलेंगे, सी लेवल से ऊपर जो एक प्लेन उड़ रहा है वो है 5000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, और जो सबमरीन है उसके नीचे वो 1200 मीटर नीचे है, उससे नीचे है का मतलब है माइनस है, एक नंबर लाइन लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोला है सिंपली, इसमें सिंपली बोला है कि इन दोनों के बीच की क्या हाइट होगी, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टोटलिंग कर लेंगे इसकी, 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 6200 मीटर आंसर। तो आपको डिस्प्ले हो रहा है आंसर कैसे लिखना है, पहले हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द सी लेवल 5000 मीटर एंड द हाइट ऑफ द सबमरीन बिलो द सी लेवल इज 1200 मीटर एंड देन द टोटलिंग दैट इज टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन इज इक्वल टू 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर इज इक्वल टू 6200 मीटर, सिंपली योर आंसर। ओके स्टूडेंट, रिवाइज दिस चैप्टर एंड रिवाइज दिस क्वेश्चन एट योर होम प्लेस, एंड इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ सारांश फैमिली। थैंक यू।